नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। तो आज का थंबनेल देख के काफ़ी लोग खुश होंगे। बेसिकली मुझे नहीं पता कितने लोग टीवीडी को यूज़ करते हैं या जानते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी सालों पहले जब टीवीडी आया था, जब टीवीडी को आए हुए 2-3 साल ही हुए थे, मैं तब से टीवीडी लगा रहा था। और टीवीडी मैंने नाना करते हुए 5 या 6 साल इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद किस लिए बंद किया इसको इंस्टॉल करना, आपको बताऊँगा। लेकिन टीवीटी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी चलती जानी मानी ब्रांड है। सो अगर आप सीसीटीवी के इंस्टॉल करते हैं तो आप भी टीवीटी को ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टीवीटी डीवीआर के लिए बात करने वाला हूँ, टीवीटी डीवीआर के बारे में स्टार्टिंग विज़ार्ड। सो सिर्फ आज की वीडियो ये यहाँ तक नहीं रुकेगी, आज के बाद हम टीवीटी डीवीआर के लिए और भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि टीवीटी डीवीआर में कैसे पासवर्ड चेंज करते हैं, टीवीटी डीवीआर को कैसे कि आईपी कैमरा ऐड करना हो, 8 कैमरे के टीवीटी डीवीआर में कैसे नोवा कैमरा ऐड किया जाता है, कैसे आईपी कैमरा ऐड किया जाता है, टीवीटी डीवीआर का पासवर्ड कैसे रिसेट कर सकते हैं, इन सब टॉपिक पे ही बात करेंगे। सो गाइस, टीवीटी को लेके आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैंने टीवीटी पहले करता था लेकिन मैंने बंद कर दिया। सो उसका एक इशू आया था बीच में टीवीटी के अंदर, कि टीवीटी में मैक्सिमम डीवीआर में सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा था। सॉफ्टवेयर का इशू बोलूँ तो जैसे कि वो स्टार्टिंग विंडो जो आती है वो वहीं पे ही H.264 में हैंग हो जा रहा था, और फिर उस डीवीआर को लेके कंपनी जाना पड़ता था, कंपनी वाले उसको सॉफ्टवेयर डालते थे और कंपनी वाले उसका सॉफ्टवेयर एक मनमानी मर्जी से अपने पैसे लेके 500-700 रुपये लेके सॉफ्टवेयर डाल रहे थे उसका। वहीं नई नई ब्रांड आई थी सी पी प्लस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस दे रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके इंजीनियर फोन पे सपोर्ट करते थे, टीम व्यूअर लेके सारी प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। वहीं टीवीटी ने ये गलती की कि वो अपना एक पैसा बनाने के चक्कर में छोटे मोटे पार्ट्स हमेशा जब भी जाते थे वहाँ पे, जो उसके इंजीनियर थे वो हमेशा मदरबोर्ड में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के 1000 से 1200 रुपये की दिहाड़ी बना लेते थे। सो इस वजह से मैंने टीवीटी को छोड़ा था, लेकिन अभी भी काफ़ी कमेंट आते हैं मुझसे टीवीटी के बारे में जानकारी पूछने के लिए। सो आज से 4 से 5 वीडियो टीवीटी के रिगार्डिंग आएगी। सो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें आपको बताने वाला हूँ, जब आप टीवीटी का डीवीआर लगाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में विज़ार्ड आता है, स्टार्टिंग विज़ार्ड बोलते हैं उसे, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती है, आपका उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे आपको रन करना पड़ता है, और दोबारा वो विज़ार्ड स्टार्ट ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। सो गाइज, डेली बेस पे इसके रिगार्डिंग बाकी वीडियो आएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं टीवीटी का डीवीआर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहली जो उसकी विंडो होती है वो होती है टीवीटी H.264 डीवीआर। सो इसके बाद ये डीवीआर आगे बढ़ता है जहां पे वो चेक करता है हार्ड डिस्क। गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा जो इससे अगली विंडो है, अगर वहां पे आपका डीवीआर स्टॉप हो गया है, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड डिस्क में इश्यू है। तो देख रहे हैं, सेकेंड विंडो इसकी आ गई है जिसमें ये चेक करता है सिस्टम को और चेक करता है हार्ड डिस्क को। तो मेरी हार्ड डिस्क ने चेक कर ली कि एक हार्ड डिस्क है और कितने जीबी की है, वो भी इसने चेक कर लिया, 2 TB की है, तो 19779 MB लिख के आ रहा है। तो मेरा सिस्टम जो है वो ओके है, तो चारों एरर ओके आ गए। अगर इसमें कोई भी एरर दिक्कत होती तो ये इसी विंडो पे हैंग हो जाता और आगे नहीं बढ़ता। तो उस केस में आपने अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव करना है और फिर डीवीआर को स्टार्ट करना है। तो जैसा आप देख रही हैं, सबसे पहले इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले डिवाइस नेम है, तो ये आपका ईडीवीआर है तो इसको आपको नहीं छेड़ना। लैंग्वेज इंग्लिश चाइनीज और भी कई सारी लैंग्वेज है, तो आप अगर चेंज करना चाहते ठीक है, मैं तो इंडिया में रहता हूँ और मेरे लिए इंग्लिश ही प्रेफर है तो मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा इसे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है मंथ डेट ईयर, तो मैं बेसिकली अपने डीवीआर में डेट मंथ और ईयर प्रेफर करता हूँ, सो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो घड़ी है वो 24 आवर्स, मतलब कि शाम को 6 बजे होंगे तो यहाँ पे 18 बजे शो करेगा, तो मुझे चाहिए 12 आवर्स AM PM वाली घड़ी, तो मैं इसको GMT। गाइस, इसके बाद GMT आता है, तो इंडिया का जो GMT है वो +530 है, तो मैं इसको इंडिया के GMT के अकॉर्डिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है, तो बेसिकली इसमें डेट गलत आ रही है, टाइम भी गलत आ रहा है, सो मैं इसको ठीक करूंगा। यहाँ पे सिंपली आप जो कैलेंडर बन के आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपने। तो बेसिकली आपने करना क्या है मैं आपको बता दूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। तो अब चल रहा है 2020, आज जो डेट है वो है 19, तो ये मंथ पूछ रहा है तो मंथ है 8th, तो 8th पे क्लिक करके 19 डेट पे क्लिक कर दिया, तो 19 अगस्त
2020 डेट आ गई, तो अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है दिन के 3:20। सो 3:20 यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और ये पीएम ऑलरेडी हो रखा है। सो यहाँ से स्टार्टअप विजार्ड पे क्लिक लगा हुआ है, इसको मैं हटा दूंगा ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम दोबारा मेरे डीवीआर ऑफ करके ऑन हो तो दोबारा से विजार्ड ओपन ना हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। यहाँ पे गाइस आपसे पूछ रहा है आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करने हैं या फिर आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे यहाँ पे इंटरनेट लगा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे क्लिक होने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली मेरे इंटरनेट के अकॉर्डिंग ही आईपी सिलेक्ट कर लेगा, तो मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने दूंगा। ये मेरी डीवीआर की पोर्ट है, ये सर्वर पोर्ट है, तो आपने कुछ भी कहीं भी छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है, अगर आपकी यहाँ पे स्टेटस अब नॉर्मल आ रहा हो या अनफॉर्मेट आ रहा हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देना है। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक यहाँ पे स्टेटस नॉर्मल नहीं होगा, तब तक आपकी हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो मेरी ऑलरेडी नॉर्मल है हार्ड डिस्क, तो मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। सो आप देख रहे हैं मेरे डीवीआर का मेन पेज स्टार्ट हो गया है। सो ये था मेरा बेसिकली स्टार्टिंग विजार्ड का। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी जो कि आपको समझाने के लिए थी कैसे आप टीवीटी का रन विजार्ड स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप डीवीआर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, अब डीवीआर को ऑनलाइन कैसे किया जाए, डीवीआर में पासवर्ड कैसे रिसेट किया जाए, अब डीवीआर में आईपी कैमरा कैसे ऐड किया जाए, उस सब वीडियो के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वन बाय वन सारी वीडियो आएंगी इसके रिगार्डिंग। और भी कोई मन में आपके कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आए मेरे पास, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आए मेरे पास मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ आपको, मैं सही बताऊं तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। दिल करता है कि रोज़ वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हिम्मत मिलती है और कोई सोर्स तो है नहीं अपनी हिम्मत जुटाने का। सो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट मुझे दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस मेरे चैनल पे सीपी प्लस इक्विजन दउआ और अब टीवीटी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, नीचे सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके मेरी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।